أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بأن ربك أوحى لها يومئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صدق الله العلي العظيم. ये मदरसा शब्बीर में निकले हुए आंसू, ये मदरसा शब्बीर में निकले हुए आंसू, फिरदौस के बागों में सजा देती है जहरा, फिरदौस के बागों में सजा देती है जहरा, शहजादी जमीन पर इन्हें गिरने नहीं देती, बच जाए तो कौसर में मिला देती है जहरा, बच जाए तो कौसर में मिला देती है जहरा। नैसलवार जितना कर मुझे फिरदौस में ले जाने की, जितना कर मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे कर्बोवला जाना है, रास्ता छोड़ मुझे कर्बोवला जाना है, अपनी जन्नत को भी और सजा ले रिजवान, इससे अच्छा तो मेरे घर का आधा खाना है, इससे अच्छा तो मेरे घर का आधा खाना है। सलवात कर्बला के हवाले से मुसद्दस कि कर्बला अक्ल भी है, इश्क भी, किरदार भी है। कर्बला अक्ल भी है, इश्क भी, किरदार भी है। कर्बला अमन भी, पैगाम भी, तलवार भी है। कर्बला इश्क भी, कर्बला अक्ल भी है, इश्क भी, किरदार भी है। कर्बला अमन भी, पैगाम भी, तलवार भी है। कर्बला सुलभ भी, कर्बला सुलह भी, हर बरसरे पैकार भी है। कर्बला सुलह भी है, बरसरे पैकार भी है। कर्बला हक की सितमगारों पे यलगार भी है। कर्बला हक की सितमगारों पे यलगार भी है। तो नौए इंसान के लिए मकतबे कामिल है ये, सारे नबियों की तमन्नाओं का हासिल है ये। नौए इंसान के लिए मकतबे कामिल है ये, सारे नबियों की तमन्नाओं का हासिल है ये। दरबार सलवात पर मोहम्मद वाले। एक मतलब दो तीन अशआर कि हक का दामन थाम कर महरो मोहब्बत से चलो, हक का दामन थाम कर महरो मोहब्बत से चलो, जिस तरफ हो मुर्तजा उस सिमत उल्फत से चलो, जिस तरफ हो मुर्तजा। रसूल खुदा ने फरमाया था कि मेरे बाद देखना अली एक रास्ते पर जा रहे हो और पूरी कायनात दूसरी तरफ जा रही हो, तो अली की तरफ जाना, क्योंकि अली हक के रास्ते पर होंगे। तो हक का दामन थाम कर महरो मोहब्बत से चलो, जिस तरफ हो मुर्तजा उस सिमत उल्फत से चलो, तो नखवते नखवतो बुग्जो हसद कीने की मंजिल छोड़कर। बज़ाहिर तो हम चेहरे से बहुत अच्छे से सामने को आ जाता है, बहुत खुश रोई के साथ मिलते हैं, लेकिन दिल में हजारों हजार कीने हसद भरे हुए हैं।
नुख्वत व बुग्ज़ व हसद कीने की मंजिल छोड़ कर राह हक पर दोस्तों गामे इज्जत से चलो, राह हक पर दोस्तों गामे इज्जत से चलो। एक सलावत नबी मोहम्मद व आले मोहम्मद। और खुल्द में हूरो मलक कहते हैं आपस में यही, मजलिस हुसैन जब बर्पा होती है तो सिर्फ हम और आप नहीं आते, और भी कितनी हस्तियां आती हैं, कि खुल्द में हूरो मलक कहते हैं आपस में यही, है जमीन पर मजलिस शब्बीर जन्नत से चलो, है जमीन पर मजलिस शब्बीर जन्नत से चलो। और तजमीन का शेर देखें कि लो मुहर्रम आ गया और बिछ गया फर्शे अज़ा, लो मुहर्रम आ गया और बिछ गया फर्शे अज़ा, जानिबे बज़्मे अज़ा बज़्मे मसर्रत से चलो, जानिबे बज़्मे अज़ा बज़्मे मसर्रत से चलो। तो घर से बेपर्दा ना निकलो ऐ कनीज़े फातिमा, घर से बेपर्दा ना निकलो। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। एक और सलावत का सहारा दो। लो मुहर्रम आ गया और बिछ गया फर्शे अज़ा, जानिबे बज़्मे अज़ा बज़्मे मसर्रत से चलो। तो घर से बेपर्दा ना निकलो ऐ कनीज़े फातिमा, घर से बेपर्दा ना निकलो ऐ कनीज़े फातिमा, सर पे ओढ़े चादरे इज़्ज़ो शराफत से चलो, सर पे ओढ़े चादरें इज़्ज़ो शराफत से चलो। तो इल्म की मजलिस में बैठो फ़ख्र से तुम ऐ वफ़ा, इल्म की मजलिस में बैठो फ़ख्र से तुम ऐ वफ़ा, ज़िंदगी में हर घड़ी बचकर जहालत से चलो, ज़िंदगी में हर घड़ी बचकर जहालत से चलो। नारे सलवात। इस्लाम में फितने जो उठे पहली सदी से, इस्लाम में फितने जो उठे पहली सदी से, हर दौर टकराते रहे आले नबी से, हर दौर में टकराते रहे आले नबी से। तो कुछ बस ना चला अहले सियासत पे किसी का, घर पास तो हुए हैं तो हुसैन इब्ने अली से, घर पास तो हुए हैं तो। बाबा तो बुलंद नारे सलवात। अलम अब्बास गाजी का सजाए जिसका दिल चाहे, अलम अब्बास गाजी का सजाए जिसका जी चाहे, ज़मीं पर आसमानों को बुलाए जिसका जी चाहे। अलम अब्बास गाजी का सजाए जिसका जी चाहे, ज़मीं पर आसमानों को बुलाए जिसका जी चाहे। यहाँ मिसले तबर्रुक जन्नतें तकसीम होती हैं, यहाँ मिसले तबर्रुक जन्नतें तकसीम होती है। गमे शब्बीर के आंगन में आए जिसका जी चाहे, गमे शब्बीर के आंगन में आए जिसका जी चाहे। वो अबू तालिब का चेहरा पढ़ के पैगंबर ने फरमाया, अबू तालिब का चेहरा पढ़ के पैगंबर ने फरमाया, कयामत तक मुसलमान बनता जाए जिसका जी चाहे, कयामत तक मुसलमान बनता जाए जिसका जी चाहे। सितारा जब भी उतरेगा अली के दर पे उतरेगा, सितारा जब भी उतरेगा अली के दर पे उतरेगा। घरों को रात भर अपने सजाए जिसका जी चाहे, घरों को रात भर अपने सजाए जिसका जी चाहे। वही बातें वही लहजा वही आंखें वही चेहरा, वही बातें वही लहजा वही आंखें वही चेहरा।
सिफत हैदर की कुदरत से मिलाए जिसका जी चाहे, सिफत हैदर की कुदरत से मिलाए और जिसका जी चाहे कोई भी या बाबा तो बुलंद नारे सुनवा कि वही बातें वही लहजा वही आंखें वही चेहरा, सिफत हैदर की कुदरत से मिलाए जिसका जी चाहे कोई भी आग के मातम से जल जाए ये नामुमकिन है, कोई भी आग के मातम से जल जाए ये नामुमकिन है। अली का नाम लेकर आजमाए जिसका जी चाहे, अली का नाम लेकर आजमाए जिसका जी चाहे। बाबा बोले नारे सलवात। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن صلوات اللهم صل على محمد. یہ پانچویں مجلس ہے اور موضوع گفتگو پیغامات کربلا ہے. قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 125 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے اور بہترین نصیحت کے ذریعے سے اور بحث و گفتگو کرو شائستہ انداز سے. یہ دستور قرآن مجید ہے. پہلا لفظ جس کے بارے میں تھوڑا سا کل بھی گفتگو ہوئی اشارتاً، حکمت کے ذریعے سے بلاؤ. کدھر بلاؤ؟ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف. تو پروردگار کا راستہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، دین کے علاوہ پروردگار کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور وہ بھی اسلام. کیوں؟ اس لیے کہ طول تاریخ میں جناب آدم سے لے کے ہمارے نبی کے پہلے تک دین بہت سارے ہیں، نام کے اعتبار سے. تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کون سا دین، جناب موسیٰ والا کہ جناب عیسیٰ والا؟ حالانکہ کچھ بٹا نہیں ہے، سمجھنے والوں کی غلطیاں ہیں کچھ، جس کی وجہ سے باتیں متفرق ہو گئی ہیں، تقسیم بندی ہو گئی ہے. دین ہمیشہ ایک تھا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ.
तो अब हमें कुरान मजीद में देखना पड़ेगा कि अल्लाह का रास्ता, कुरान मजीद सूरह हम्द की पहली आयत क्या है जिसे हम लोग रोज़ तिलावत करते हैं, याद भी है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, राह रास्त की हिदायत कर दे। यहाँ कहा जा रहा है परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ, और वहाँ हमसे कहा जा रहा है तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि परवरदिगारा हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर। उधर कहा जा रहा है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक्बला मिन वहुवा फिल आखिरत मिन अल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करेगा हरगिज उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में खसारे में रहेगा। फिर आगे जो आपको याद है, इन्नत दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो सब का निचोड़ क्या बना कि जो अल्लाह का रास्ता जिसकी तरफ पैगंबर को हिदायत दी जा रही कि आप बुलाइए, वो इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं और कभी बाराबंकी से आगे नहीं गए, ये बताइए कैसे पहुँचिएगा, कैसे पहुँचिएगा? सीधे आप ये कहेंगे जो दिल्ली का रास्ता जानता होगा उसको साथ ले लूँगा। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, अगर आप अपने को ख़तरे से बचाना चाहते हैं, वक्त बताना चाहते हैं और भटकने से बचना चाहते हैं, तो आप अपने बगल में एक ऐसे शख्स को बिठा लेंगे कि जिसको यहाँ से दिल्ली का रास्ता मालूम हो। ये इंसान की अक्ल कहती है, इसी को इस्लाम दलील कहता है, इसी को रहनुमा कहता है, इसी को हादी कहता है। तवज्जो चाहूँगा, तो आप दिल्ली तक अकेले नहीं जाना चाहते। किस स्कूल में आपको बताया गया, किस यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया गया? आप कहेंगे मौलाना इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद हमारी अक्ल कहती है। तो जब अल्लाह ने ऐसे बंदे को पैदा किया कि जिसके दिल में खुद ब खुद ये बात पाई जाती है कि अगर रास्ता मंजिल उसे पता न हो तो पहले से हादी का इंतज़ाम कर ले, तो जब इंसान हादी के बग़ैर दिल्ली और कलकत्ते तक नहीं जाता तो यहाँ से क़यामत का सफ़र बग़ैर हादी के कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? देखिए हिकमत की बात है ना, दलील वाली बात, लिहाजा हिकमत के ऊपर गुफ्तगू। अब फिर फंस गए, कह के फंस गए। पैगंबर तक तो समझ में आता है, पैगंबर दलील है, रहनुमा है, चलिए ठीक है, उनसे इस्लाम ले लिया, उनसे कुरान ले लिया, अब क्या चाहिए आपको? तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी एक तारीख़ के हसास मोड़ पर कि आपकी तवज्जो है, लेकिन दुनिया वालों से मुतालबा है कि जो आपकी बातें हैं उसी से तो हम नतीजा लेना चाहते हैं, अलग से हम नतीजा नहीं अक्स करना चाहते। ये बताइए, पैगंबर जब तक हैं तब तक तो वो दलील हैं, रहनुमा हैं, और अगर पैगंबर उठ जाए तो दलील नहीं रहेगी, रहनुमा नहीं? अगर अभी पूछिएगा इस तरह तो जवाब देंगे हाँ, आगे अभी कुछ ना कहिए ऐसे, क्यों, किस वजह से? कहेंगे हमारे रसूल ने फरमाया, बहुत तवज्जो चाहूँगा, हमारे रसूल ने फरमाया कि ज़मीन सेकंड भर के लिए बग़ैर रहनुमा
बग़ैर हादी, बग़ैर मुअल्लिम, बग़ैर रास्ता दिखाने वाले के नहीं रह सकती। क्या कहा? पैगंबर ने फरमाया है कि ये ज़मीन बग़ैर हुज्जत खुदा के सेकंड भर के लिए खाली नहीं रह सकती। सवाल, पैगंबर की वफात से तदफीन तक, और तवज्जो चाहूँ, कै सेकंड? पैगंबर की वफात से कफन दफन होने तक कितना फासला है? तवज्जो नहीं किया आपने? कितना फासला है? बहुत ज़्यादा। 10 मिनट? नहीं। 20 मिनट? नहीं। आधा घंटा? पता नहीं। और अगर बुरा ना लगे तो तारीख़ी से सुना है, हो सकता है गलत हो, हमारा तो दिल चाहता है गलत हो। सही बता रहा हूँ मैं आपसे, हमारा तो दिल यही चाहता है कि ये रिपोर्ट गलत हो। क्यों? इसलिए कि पैगंबर को दुनिया से गए हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी है, शायद बदन भी आपका मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ, और बड़े बड़े साथी, दोस्त, अहबाब, शागिर्द, चाहने वाले, पलके बिछाने वाले, क्या क्या कह दीजिए, आसमान के सितारे, और बकौल अल्लामा शिबली के, तारीख़ के मेहर माह, अल्लामा शिबली ने हाँ यही लिखा है अल्फाज, तारीख़ के मेहर माह। तो हमारा तो दिल चाहता है कि तारीख़ में ये बात गलत साबित हो जाए कि पैगंबर के इंतकाल के बाद ऐसे ही पैगंबर का लाशा पड़ा रहा और लोग जमा हो करके आपस में गुफ्तगू करते रहे कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। तो इसके बाद कौन, तो इसको तो तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी को दलील बनाया गया है, इसी को बुरहान बनाया गया है। क्यों आप वहाँ जमा हुए? इसलिए कि पैगंबर के बाद जगह खाली थी, दुश्मनों का ख़तरा था, मुर्तदीन का ख़तरा था, दुश्मनान खुदा, दुश्मनान क़ुरान मदीने पे हमला कर देते, पता चल जाता कि दुनिया से रहबर गुज़र गया, इस्लाम का बानी गुज़र गया। तो अभी जल्दी ही इस्लाम अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, अगर हम वहाँ जमा हो करके किसी के हाथ के ऊपर बैत करके हादी न मान लेते तो इस्लाम का सफाया हो जाता। तो अब या तो ये बात झूठी है और बहाना है, या वो हदीस, हदीस कैसे झूठी कह देंगे? नक़ल करते करते ज़बानें थक गईं, ज़मीन खाली नहीं हो सकती, ये अल्लाह का इंतज़ाम है। तो बस एक ही बात मानना पड़ेगा जो अपने नेचुरल वे में चलती चली आ रही है, आदम से लेके खातम तक कभी हादी से ज़मीन खाली नहीं हुई। बना लो तो ज़मीन खाली है, न बना पाओ और कोई मासूम मौजूद हो तो ज़मीन खाली नहीं है। अब तुम्हें पता लगाना पड़ेगा वो मकतब कौन सा है जहां लम्हे भर के लिए अल्लाह का नुमाइंदा जमीन से नहीं उठा। वो कौन सा है? कोई तो होना चाहिए। तो ये आपके हमारे जिम्मेदारी है, जाइए पता लगाइए कौन है जिसने पैगंबर को नहीं छोड़ा, कौन है कि जिसने पैगंबर को मरने के वक्त से लेकर के गुस्लो कफन तक नहीं छोड़ा। अगर ज़र्रा बराबर भी इंसाफ किसी के अंदर है और पैगंबर से हकीकी मोहब्बत होगी तो वो इंसाफ से यही कहेगा, अली के अलावा तारीख में कोई नहीं दिखाई देता कि जो पैगंबर की बीमारी से लेकर के कफनो दफन तक अकेला अकेला उनके साथ उनके पास तवाफ करता रहा है। तो जो पैगंबर के पास मौजूद रहे और वो
अपने लिए कदम न उठाए, मान लेना चाहिए कि हुज्जत खुदा यही है। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, ये तारीख़ है और हदीसों में भी ये बात जगह जगह मुंतकिल हुई है और पैगंबर को हुक्म हो रहा है कि आप हिकमत का दामन न छोड़िए, हिकमत से बुलाइए। अब हिकमत से बुलाइए तो हिकमत का बड़ा तर्जुमा, बहुत सारे तर्जुमे आपको मिल सकते हैं, लेकिन हम वजाहत के तौर पर इतना अर्ज़ करना चाहते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है इल्म, एक है हिकमत। समझ रहे हैं आप? एक है इल्म, ये जो आप मालूमात हासिल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, ये भी इल्म का एक हिस्सा है, इत्तिलाआत, मालूमात। अब इससे ज़्यादा मैं इल्म की गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इल्म से बड़ी एक चीज़ है, उसका नाम है हिकमत। हिकमत के लिए कई एक तारीफ़ है, एक तारीफ़ ये है कि जो कायनात में चीज़ों का राबता पता लगा ले कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से मरबूत है, ये भी हिकमत का हिस्सा है। यानी जो साइंटिस्ट बैठ करके फ़िक्र करके चीज़ों का राबता मुअय्यन करता है, खोज करता है, और उसके बाद पता लगा के कहता है कि अगर मसलन ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से मिला दो तो पानी बन जाता है, तो ये खोज, ये राबता अगर मेडिकल में चला जाए और किसी बीमारी का मुख्तलिफ चीज़ों से वो इलाज निकाल लें, तो ये भी हिकमत का एक हिस्सा है, ये भी हिकमत का एक हिस्सा है। इससे बड़ी हिकमत क्या है? तवज्जो चाहूँगा, ये तो दुनियावी मिसाल हुई, इससे बड़ी हिकमत क्या है, इससे बड़ी चीज़ क्या है? वो ये है कि दीन के मैदान में आप इस तरह कदम रखें कि किसी गुमराह को, किसी राह से भटके हुए इंसान को इस तरीके से दीन पेश करें कि उसके अंदर नफ़रत का जज्बा पैदा होने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत पैदा हो जाए। ये है दीन। अब देख लीजिए मुसलमानों के यहाँ हिकमत पाई जाती है कि नहीं। साद इब्न माज एक मरतबा सलवात पढ़ें तो ये मैं किस्सा नकल करूँ, और इधर आगे आ जाइए, जगह बहुत है, बहुत जगह है, इधर आ जाइए, एक मरतबा सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हिकमत की तारीफ़ कर रहा था कि दीन को ऐसे बताओ कि आदमी के अंदर नफ़रत पैदा होने के बजाय दीन से दिलचस्पी पैदा हो। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, ये बड़ी नज़ाकतें हैं और मौजूदा ज़माने का ये मौजू है, इसलिए कि मुसलमानों ने हिकमत का दामन छोड़ दिया है। अब उनके हाथ में कलम नहीं है, उनके हाथ में किताब नहीं है, अब उनके हाथ में दलील नहीं है, क्या है? बंदूक है। क्या है? गन है। ज़बान पर क्या है? रकीक अल्फाज हैं। ज़बान पे क्या है? दुश्मनी है। ज़बान पे क्या है? कुफ्र के फतवे हैं। ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। अब आप पैगंबर के हवाले से सुनिए, ये है दीन। साद इब्न माज को यमन भेज रहे हैं, काहे के लिए? तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग। ज़ाहिर बात है हर जगह पैगंबर नहीं पहुँचते थे और पहुँच भी नहीं सकते थे। ये नहीं है कि मौजूदा करें उसके बाद से पता चले कि एक वक्त में आपके सर्वे में भी पैगंबर से मुलाकात कर रहे हैं, वो बाराबंकी मुलाकात कर रहे हैं, और वो मिसाल के लखनऊ में मुलाकात कर रहे हैं, वो दिल्ली में, और वो मुल्क से बाहर। ये सब चीज़ें नहीं थीं, जैसे ज़िंदगी बसर होती है इसी तरह से। तो पैगंबर नुमाइंदा कुरान की तालीम देते थे, कहते थे ये सूरह याद करो,
उसके मफाहिम बताते थे, मतलब बताते थे, उसके बाद कहते थे फुलां करिए में जाओ। फिर दूसरे सहाबी को बुलाते थे, उसको दीन की तालीम देते थे, कहते थे फुलां जगह जाओ। लिहाजा साद इब्ने मास को तैयार किया। मदरसों के बारे में बहुत सारी ख़िलाफ़ बातें सुनते रहते हैं ना, होंगे कोई होगा कहीं मदरसा जहाँ दहशतगर्द होते होंगे, हमको तो नहीं पता है, ये सब प्रोपेगंडा है। मदरसे का काम ये है कि अल्लाह के हवाले से गुफ्तगू करके अच्छा इंसान बना के पेश करे, जिसकी ज़बान भी अच्छी, जिसका किरदार भी अच्छा, कि जब मुआशरे में आए तो दूसरे लोग उससे इंसानियत सीखें। ये प्रोपेगंडा है। इसलिए ये वाकया मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ कि साद इब्ने मास को बुलाया और उसके बाद दीन की तालीम दी, और आखिर में जो जुमला कहा वो सुनिए, कहा साद याद रखना, बशिर वला तुनफिर, जहाँ जा रहे हो खुशखबरी सुनाने वाला बन के जाना, नफ़रत ईजाद करने वाला ना बनना। बशिर वला तुनफिर, याद रखो दीन को और दीन के पैगाम को इस तरह पेश करना कि वो दीन को समझ करके खुशी का एहसास करे, इत्मीनान की कैफियत पैदा हो, उनके दिल में नफ़रत का जज्बा ईजाद ना हो। बहुत तवज्जो चाहूँगा, जब यही चीज़ अपने आइम्मा में हमने देखना शुरू की तो हमको सिवाय बशारत के कहीं नफ़रत का जज्बा नहीं दिखाई दिया, बल्कि ये इतने बुलंदोबाला थे दोस्तों दोस्त दुश्मन तक को इस तरह अपने से नज़दीक किया कि आया था दुश्मन बन के, जाने लगा तो दुआएं दे के जा रहा था, कह रहा था जब आया था आपसे बड़ा दुश्मन नहीं था, मगर आज जब जा रहा हूं तो आपसे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये किरदार है। शाम से आया हुआ आदमी, शाम में 20 साल तक अहले बैत के ख़िलाफ़ पब्लिसिटी की, 20 साल यहाँ साल दो साल में सब सफाया हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है कि नहीं। गांधी जी मुजरिम हो जाते हैं, उनका कातिल मजलूम हो जाता है। सब कुछ हो सकता है, तारीख दोहराती है, तारीख अपने को दोहराती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप शाम में जाइए, 20 साल तक मौलाए कायनात के ख़िलाफ़, तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, 20 साल तक मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ हुकूमत में जितना दम खम था पब्लिसिटी की, और क्या नहीं कहा गया, हैरत होगी आपको, हैरत होगी। होटलों पर लोग शाम में बैठ करके अबू तुराब कह के गुफ्तगू करते थे। तुराब माने क्या है? मिट्टी। अब कहते हैं बाप को, अबू तुराब हुई कुन्नियत, यानी मिट्टी का बाबा, ये तर्जुमा हुआ। ये लकब रसूल खुदा का दिया हुआ है, किसको? मौला को। कब ये लकब दिया था? देखिए, उसका पस मंज़र भुला दिया गया और अब इसको मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ तंज के तौर पर। एक दिन मस्जिद में मौला लेटे हुए थे, मिट्टी की मस्जिद थी, फ़र्श मिट्टी का था, जाहिर सी बात है थके मादे थे, सो गए। रसूल खुदा ने उसी दौरान तलब किया, किसी ने कहा या अली, पैगंबर आपको याद कर रहे हैं। उठे और उसी आलम में चले गए
मिट्टी बदन पर लगी हुई थी। तवज्जो चाहूँगा, बदन पर मिट्टी लगी हुई थी। जैसे ही रसूल की नज़र पड़ी, आपने कहा अबू तुराब। तवज्जो चाहूँगा, ये इंसान मिट्टी से निकला है और मगलूब है। पैगंबर ने बताना चाहा, इंसान इसी मिट्टी से निकला है। अली भी इंसानों में से एक बुलंदोबाला इंसान है, मगर तुम आम लोगों की तरह से नहीं हो। लोग मिट्टी से निकले हैं, मगर तुम मिट्टी से बुलंदोबरतर हो, अबू तुराब। तो ये तो हुआ इसका बैकग्राउंड। अब ये लफ्ज़ अमीर शाम को बड़ा मज़ा आया, उनको बड़ा लुत्फ आता था। मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी कहीं से तो बिल्कुल जैसे परवाज कर रहे हों, उड़ रहे हों आसमान में। तो कोई और नहीं भाई, यही लफ्ज़। अबू तुराब के बारे में क्या ख़्याल है, अबू तुराब के बारे में क्या ख़्याल है? तो अब शाम के लोग जो उनके चाहने वाले थे, वो भी यही लफ्ज़। तो अब कहवा खाने पर, होटलों पर बैठ करके मौलाए कायनात के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। तो जानते हैं, सुनिए आप, दोस्तों से मैं कह रहा हूँ, जानने की ज़रूरत है करबला क्यों वाक़ हुई है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा था। अगर इमाम हुसैन करबला में ना आते तो ये बातें भी आपको पता ना चलती क्या हो चुका था। मौलाए कायनात कोई मामूली आदमी थे? कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पैगंबर को ज़रूरत रही हो और अली वहाँ मौजूद ना हो? कौन सी ऐसी जगह है? कोई जगह तारीख में आप दिखा नहीं सकते जहां पैगंबर ने कहा आओ वहां मौजूद थे, जहां पैगंबर ने कहा तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है वहां नहीं गए, जहां बिठा दिया वहां बैठ गए, जहां उन्होंने खड़ा कर दिया वहां वो खड़े रहे। जंग हो या मस्जिद, कोई ऐसी जगह नहीं है पैगंबर की इताअत में उसकी छवि, उसकी शबीह को बिगाड़ने की कोशिश की तारीख ने। मगर मशहूर है, जिसको अल्लाह रखे। हुकूमत ने सब कुछ खर्च कर दिया, अब होटलों पर गुफ्तगू हो रही है कि अरे सुना नहीं रात में अबू तुराब आया था और वो हमारे बच्चों की बकरियां चुरा ले गया। ये तारीख है, यजीद कैसे आया है। ये है तारीख, क्या हुआ वो हमारे तो सुनेंगे आप। एक दिन यजीद के बाप ने अपने मक्कार सियासतदानों से, कि जिसमें अमर आस का सबसे पहले नाम आता है, मशवरा किया। कहा अली के फजाइल को तो हम नहीं छिपा सकते, क्योंकि इतने सहाबी मौजूद थे खुद शाम में कि वो खुद जहाँ पहुँचते थे मुँह से निकल जाता था या कहते थे। कहा फिर, कहा हम चाहते हैं कि अली की नफ़रत दिलों में पैदा हो। देखिए आदमी कितनी कोशिश करता है, तो कैसे। अब दोनों ने मिल बैठ करके सोचा कि क्या किया जाए। हमारे आस ने कहा कि एक तरकीब है, और तरकीब ये है कि बकरी और भेड़ के बच्चे खरीदो छोटे छोटे और ले जा करके जिनके घर में बच्चे हैं उनको हदिया कर दो और कहो अमीर शाम की तरफ से, अमीर माविया की तरफ से तुम्हारे लिए हदिया है। का फिर आगे, का जब कुछ दिन वो बच्चे मानूस हो जाएं और खेलने कूदने लगें और वो जानवर बड़ा हो जाए, तो रात में चुपके से अपने आदमियों के ज़रिए से उसे उठवा लो। अब जब सुबह बच्चा उठ करके अपनी बकरी के पास जाएगा तो उसे नहीं मिलेगा, तो वो पूछेगा। तो ये कहना कि रात में माँ अल्लाह अबू तुराब आए थे वो चुरा ले गए,
ये वाकया है तारीख का। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, मैं एक नमूना पेश कर रहा हूँ। यही किया गया, बकरी के बच्चे पहुँचा दिए गए, उनसे कह दिया गया ये अमीर शाम की तरफ से गिफ्ट है, हदिया है, और बच्चे मानूस हो गए, तमाम चीज़ें। और कुछ दिनों के बाद ये तो आदमी का किरदार है, ये एक बादशाह का किरदार है, ये एक दुश्मनी है जो अपने चरम सीमा पर है, अपने उरूज पर है, अपने नुक्ते कमाल पर है, और कहीं से कम होने का नाम नहीं लेती। अब मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ। इधर मौलाए कायनात के खिलाफ शाम में जगह जगह प्रोपेगंडा हो रहा है, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, जहर उगला जा रहा है, मगर जब अली इब्न अबी तालिब माह मुबारक रमजान में मस्जिद कूफा में शहीद होते हैं और ये खबर शाम पहुंचती है, तो यही होटल पे बैठने वाले जो मौलाए कायनात को गलत अल्फाज से याद करते थे, उन्होंने कहा अरे सुना नहीं अबू तुराब मार दिए गए? कहा हाँ हाँ हमने सुना। कहा ये अजीब बात है कि वो मस्जिद में मारे गए। तीसरे ने कहा मुझे हैरत हो गई, और हैरत है कि वो मस्जिद में क्या कर रहे थे। किसी ने कहा इसका मतलब ये है अबू तुराब भी नमाज पढ़ते थे। तवज्जो चाहूंगा, अबू तुराब भी नमाज पढ़ते थे। और अब जुमला मौलाए कायनात का और उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाइए कि मौला ने जो ये कहा फुस्तोबे रब्बिल काबा, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। गोया मौलाए कायनात ज़रबत खाने के बाद अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने मिशन की कामयाबी का ऐलान कर रहे थे। माविया तुम्हारा दौर भी गुजरेगा, यजीद का दौर भी गुजरेगा, एक हुसैन को मैंने तैयार किया है जो आकर के मक्तल में बताएगा कि अली इब्न अबी तालिब मजलूम थे, हसन मजलूम थे, हुसैन मजलूम थे, और ये रसूल खुदा के घराने वाले पाको पाकीजा थे, तुम्हारा पूरा घराना नजीस था। ये है करबला, ये है मौलाए कायनात की कामयाबी। मौलाए कायनात ने इसीलिए इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरबियत की थी, उसी नक्शे कदम पर चल रहे थे, मगर वक्त के एतबार से अंदाज बदला हुआ था। यजीद तो किसी काबिल भी नहीं था, अपने बाप की नज़रों में भी गिरा हुआ था। खुद माविया भी दिलचस्पी इस हवाले से कि कोई ओहदा दिया जाए नहीं रखता था, लिखा है तारीख में, जंग कुस्तुनतुनिया का वाकया लिखा हुआ है, उसमें भेजा यजीद को, चूंकि ये माना जाता था जो लश्कर का सरदार बना के भेजा जाए फिर उसके बाद उसकी खबर आए लोग समझे अरे हाँ वाकई इसके अंदर कोई कुव्वत और ताकत है, तभी तो सरदार बनाया गया। तो बाप ने इसे इसीलिए सरदार बनाया था ताकि वहाँ से ये खबर आए कि यजीद को फुला लश्कर में सरदार बना करके भेजा गया, यानी उसके अंदर भी सलाहियत और लियाकत है, आइंदा के लिए तैयार करे, मंशा ये था। मगर सुनिए इनकी तारीख, अब ये पहुँचे वहाँ तो अपने आदात और अतवार पहले से बिगड़े हुए थे, इनके रंगीन मिजाज थे, शराब के जाम चलते थे, लश्कर बीमार हो गया, बुखार, वबा, और ये एक जगह अपनी मस्तियों में रंगरेलियों में और गज़ल कह रहे हैं। मुझसे क्या मतलब कि लश्कर को क्या हुआ, जब तक कि मेरे बगल में फुला मौजूद हैं और फुला मौजूद हैं और फुला मौजूद हैं और शराब का जाम हमारे सामने है। ये यजीद के अशआर हैं। माविया को खबर मिली, सुनिए, बाप ने सुना तो गुस्सा आ गया, कहा तो सही कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। ये तारीख में अल्फाज हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यजीद खुद अपने बाप के नज़दीक भी खिलाफत के काबिल नहीं था। अब कैसे तैयार किया गया, ये एक ट्रेजडी है।
ये एक अलामिया है। अब आप अगर ये कहें या आज कोई कहे इसमें क्या मुजायका था, इतने लोगों ने बादशाहों के ज़ेर सरपरस्ती ज़िंदगी बसर की और चले गए, एक हुसैनी क्या थे, बैत कर लेते तो हो सकता है आपकी बात मान ले, थोड़ी देर के लिए बैत कर लेते। ये मेरी बात नहीं है, बुज़ुर्गों ने इस बात को लिखा है और इस तरफ मुतवज्जे किया है। अगर यजीद अपने को बादशाह कहता, सुल्तान कहता, रूलर कहता, किंग कहता, तो शायद हुसैन खामोशी से बैठ जाते, मगर मसला ये नहीं था, अपने को वो बादशाह नहीं कहलवाना चाहता था, अपने को वो खलीफतुर रसूल कहलवाना चाहता था। अब अगर हुसैन भी खामोश होकर के बैठ जाएं, तो वो तमाम आदतें, वो तमाम बुराइयां जो यजीद के अंदर थीं, वो सब इस्लाम में मुंतकिल हो जाती और आज का मुसलमान उन तमाम बुराइयों को इस्लाम समझ करके अंजाम देता, तब रसूल बदनाम होते, अल्लाह का दीन बदनाम होता, कुरान बदनाम होता। यही वजह थी कि किसी से इतना बैत का इसरार नहीं था, हुसैन से बैत का इसरार था। वरना जनाब उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जुबैर के बेटे मौजूद थे और दीगर सहाबा मौजूद थे, उनसे भी इसरार हो सकता था, मगर उनसे इसरार नहीं हुआ। इमाम हुसैन से इसरार है कि आप बैत, और जितना इसरार बढ़ता जाता उतना ही इनकार बढ़ता जाता है। बस अरबाब मजलिस, इमाम हुसैन ने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, एक ऐसा शख्स जो खुल्लम खुल्ला दीन की मुखालफत करता है, आयात कुरान का मजाक उड़ाता है, शराब के नशे में धुत रहता है, नमाज को तर्क करता है, अपने माँ और बहन में इम्तियाज़ का कायल नहीं है, नबुव्वत को खेल और तमाशा बताता है, नमाजियों का मजाक उड़ाता है, शराब की मदा में कसीदे के कसीदे कहता है, मैं उसकी बैत कर लूं? फ़ालल इस्लाम है अस्सलाम, तो अगर ऐसा दौर आ जाए तो ऐसे इस्लाम का फातिहा पढ़ देना चाहिए। ये मौला के कलिमात हैं अरबाब मजलिस। फ़ालल इस्लाम है अस्सलाम, इज बोलियतिल उम्मा राई मिस्ल यजीद, अगर नौबत ये आ जाए कि उम्मत यजीद जैसे हाकिम के ज़रिए आजमाई जाए, तो फिर इस्लाम का फातिहा पढ़ देना चाहिए, फिर नामुमकिन। तो हुसैन का बराहे रास राबिता इस्लाम से है, बादशाहत से नहीं है, इसीलिए हुसैन जितने आपके हैं उतने ही मुसलमानों के हैं। वो अलग बात है कि मुसलमान कम लुत्फ़ी करे, तो जो मुसलमान पैगंबर के साथ कम लुत्फ़ी कर सकता है, अगर इमाम हुसैन के साथ कम लुत्फ़ी करे तो क्या है, लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम के हैं, तना एक मकतब के नहीं हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह ने हमें ये नसीब दिया है, ये हमारी किस्मत है कि हम उनसे वाबस्ता हैं, हम उनको ले करके चल रहे हैं, हम उनको याद करते हैं, हम उनसे शफ़ात के तलबगार हैं, ये हमारी अपनी किस्मत की बात है। बस अरबाब आज़ा, मैंने आपकी ज़हमत तमाम कर दी, आज बस इतना ही। पाँचवीं मुहर्रम है, जैसे जैसे तारीख़ें बढ़ती हैं, अहले बैत और उनके घराने की क़ुरबानियों का तज़किरा होता है, और ये क़ुरबानियाँ इसलिए भी याद की जाती हैं ताकि सोसाइटी के हर फर्द को
अपना आइडियल और नमूना मिल सके। करबला में चाहने वाली बहन जिसने मदीना छोड़ने के वक्त अपने शौहर से इजाज़त तलब की और कहा, मेरे सरताज, मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे ज़िम्मेदार हैं, मैं आपकी ज़ौजा हूँ, आपकी इजाज़त के बग़ैर मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती, एक गुजारिश लेकर के आई हूँ। अदब देखिए, अखलाक देखिए अहले बैत का। अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र कोई मामूली आदमी नहीं है, किरदार के धनी, सखावतमंद, करीम, शुजा, बहादुर, यतीमों की सरपरस्ती करने वाले, बेवाओं की किफालत करने वाले, इंसानों की हमदर्दी रखने वाले, ये जनाब ज़ैनब के शौहर का किरदार है। कहा, शहज़ादी, कहिए क्या बात है? मेरे सरताज, मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है और आप जानते हैं कि मैं अपने भाई के बग़ैर नहीं रह सकती। ये मिलता है कि जनाब ज़ैनब जब तक मदीने में थीं, जब तक एक या दो बार अपने भाई को देख नहीं लेती थीं, उन्हें सब्र नहीं आता था। अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने कहा, शहज़ादी, शौक़ से जाइए। अल्लाहु अकबर। शहज़ादी, मैं आपको रोक नहीं सकता। तारीख ने लिखा है कि ज़ैनब से कुछ बातें की। अब मैं यहाँ उस तरफ नहीं जाना चाहता। आखिर में अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने कहा, ये मेरे दोनों साहबजादे हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। और बाज़ उलमा ने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र का मंशा ये था, ए बीबी, अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो एक मेरी तरफ़ से, एक अपनी तरफ से कुर्बानी दे। ज़ैनब करबला आ गई, शब आशूर आई, जंग की तैयारियां होने लगी। ज़ैनब को अपने भाई की फ़िक्र है, सैयद सज्जाद की तीमारदारी में है, अपनी भाभियों के पास आती हैं, बच्चों के पास आती हैं। जब फरागत हुई और यकीन हो गया कि अब कल कोई नहीं बचेगा, तो औनो मोहम्मद को अपने खैमे में बुलाया। ए जाफ़र के पोतो, ए अब्दुल्ला के बेटे, तुम अबू तालिब के फर्जंद हो, कल माँ को शर्मिंदा न करना। मुझे अपने भैया से ज़्यादा कोई अज़ीज़ नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि जब सब मेरे भैया पर जान कुर्बान करे तो तुम पीछे रहो। समझाती हैं और एक मर्तबा कहती हैं, ए मेरे बच्चों, अगर लड़ते लड़ते दरिया के किनारे पहुंच जाना तो पानी ना पीना। देर तक गुफ्तगू हुई होगी। आशूर का दिन आया, ज़ैनब ने औनो मोहम्मद को भाई की खिदमत में भेजा। ये दोनों आए। अब रिवायत में इख्तलाफ है कि ये औनो मोहम्मद अभी नौजवानी के सिन में थे या जवान थे, यहाँ इख्तलाफ है। बहरहाल, घोड़े पे सवार हो सकते थे, जंग कर सकते थे, तलवार हाथ में ले सकते थे, बहादुर थे। आका की खिदमत में आए, मामू, अम्मा ने भेजा है। अल्लाहु अकबर, बहुत हसास रिश्ता है,
बहुत नाजुक रिश्ता है। अली अकबर को इजाज़त देना आसान है क्योंकि अली अकबर ख़ुद हुसैन के फर्जंद हैं, मगर भांजों को इजाज़त देना सीने से लगा लिया। ए ओनो मोहम्मद, अब ये वक्त आ गया कि मैं अपने दिल के टुकड़ों को जंग की इजाज़त दूँ। आवाज़ आई, भैया भैया इन बच्चों को जाने दीजिए, रोकिएगा नहीं। बाज़ उलमा ने कहा है कि इमाम ने जैनब को दिलासा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए ये तक कहा, जैनब मुमकिन है कि अब्दुल्ला राज़ी ना हो, जैनब मुमकिन है कि अब्दुल्ला राज़ी ना हो। बस जैसे ही ये जुमला कहा, जैनब ने तड़प के कहा, भैया भैया ये ना कहिए, जब मैं मदीने से चली थी तो अब्दुल्ला ने कहा था अगर ऐसा कोई मौका आए तो एक को मेरी तरफ से एक अपनी तरफ से। हुसैन ने सर को झुका लिया। अब क्या कहते, बस आखिरी जुमला, ओनो मोहम्मद घोड़े पर सवार हुए, मक्तल में आए, दोनों भाइयों ने हमला शुरू किया। कोई दाई जानिब हमला करता था, कोई बाई जानिब हमला करता था, क्यों ना हमला करते। अबू तालिब के पोते थे, जाफर के पोते थे, अब्दुल्लाह के बेटे थे, जैनब के राज दुलारे थे और हुसैन के भांजे थे। एक मर्तबा ललकार के कहा, तुमने हमारे मामू को घेर के यहां तक तुम लोग लेकर के आए हो, आओ हमारा सामना करो। कत्ल करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, नहरे फुरात के पास पहुंचे। भाई ने कहा, भाई अम्मा ने इजाजत नहीं दी है, सकीना खैमे में प्यासी है। وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा ले। परवरदिगार जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारे इस मुल्क में अमन व अमान पैदा कर दे। परवरदिगारा उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रख। आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी, आयतुल्लाह उज़्मा खामेनी और दीगर मराजे जो तशय्यो के आबरू हैं, इज़्ज़त हैं, परवरदिगारा इनकी ज़बान इनके बयान में और असर दे दे, इनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो लोग जान बूझ करके इस्लाम क़ुरान अहले बैत की मुखालफत करते हैं, अगर लायक़ हिदायत नहीं है तो उनको नीस तो नाबूद कर दे। परवरदिगारा हमारे जवानों में इल्म अमल का जज़्बा पैदा कर दे, हमारी औरतों में इफ़्फ़त व पाकदामनी पैदा कर दे, हमारे बुज़ुर्गों में वक़ार पैदा कर दे, हमारे इमाम को हमसे मिला दे और हमारे रफ्तार व किरदार से राज़ी व खुशनूद कर दे। मातम हुसैन। Yeah।
से चेहरे याद आए बहन की आंखों को बच्चों पर कभी रोने न दिया चेहरे याद आए नंगो मर्जी